पहुँची तुम? मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी। हाय नीता। हाय। सॉरी प्रणीता, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो सोच रही थी कि तुम किसी काम में फंस गई हो। अरे नहीं नहीं, तुम आने वाली हो, मैं क्या कोई दूसरा काम रख सकती हूँ? अब यहीं पे सारी बातें करोगी या घर भी ले चलोगी? ओ चलो ना। हाँ, चलो चलो। अरे प्रणीता, क्या हुआ अचानक? रीता, देखते देखते कैसे 2 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ तो तुम एक काम क्यों नहीं करती और 2 दिन क्यों नहीं ठहर जाती? अगर मेरा काम नहीं रहता तो मैं जरूर ठहरती। यहाँ से जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है। तो जा क्यों रही हो? एक्चुअली 1 सप्ताह बाद मेरी चाची के भाई की शादी है, उसके लिए भी तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो तुम कल जा रही हो? हाँ। अब मुझे एक बात बोलो, हमारे गांव में तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा? मुझे सब कुछ अच्छा लगा, यहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं। लेकिन रीता, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। तुम लोगों के यहाँ क्या पानी की बहुत प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे घर के लिए चाची जी बहुत मेहनत से पानी लाती है और तुम लोग भी पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हो, और गाँव के लोगों को मैंने देखा है भर भर के पानी लाते हुए। तुम लोगों के यहाँ पर नल, कुआं या वाटर रिसोर्स नहीं है क्या? हम लोगों के गांव में हर किसी के घर में नल कुआं नहीं है, और जिन लोगों के घर पे है वो भी इस समय बेकार है। इस सीजन में हम लोगों के गांव में सूखा पड़ जाता है, लेकिन बारिश के समय में हम लोगों के गांव में पानी भर जाता है। लेकिन तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? सरकार को ये सब बातें तुम लोगों को सूचित करनी चाहिए, तभी इन समस्याओं का हल निकलेगा। कोई फायदा नहीं होगा प्रणीता। तुम एक शिक्षित लड़की होकर ऐसी बातें मत किया करो रीता। ऐसी हालत में चुपचाप रहना एकदम अच्छी बात नहीं है, ऐसी हालत में लड़ना चाहिए। और एक बात, अगर इस सीजन में तुम लोगों के गांव में सूखा पड़ता है तो गांव के ज्यादातर लोग कहां से पानी भर भर के लाते हैं? एक सरकारी नल है, वहीं से पानी लाते हैं, और प्रताप बरवा के घर से भी हम लोग पानी लाते हैं। सरकारी नल में दिन में 2 बार पानी आता है। वहाँ की भीड़ देखकर तुम तो हैरान रह जाओगी। और ये प्रताप बरुआ कौन है? प्रताप बरुआ हमारे गांव के एक सबसे रईस आदमी है। वे 1 लीटर पानी का 1 रुपया लेते हैं। उनके घर में एक बड़ा सा वाटर पंप है जहाँ से हर दम पानी निकलता है, और गांव के भोले भाले लोगों को दिन दहाड़े ही लूट रहा है। सुनो रीता, गाँव की इन सब समस्याओं को खत्म करने के लिए हमारे देश की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तुम लोगों को भी इन सारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, तभी गांव की उन्नति संभव होगी। लेकिन ये सब करेगा कौन? तुम। मैं? हाँ तुम। हम लोग कल ही डिस्ट्रिक्ट वाटर रिसोर्स ऑफिस जाएंगे और सब बातें खुलकर कहेंगे। लेकिन तुम तो कल घर जा रही हो। हाँ, लेकिन मेरी चाची की भाई के शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम लोगों की ये समस्या है, इसलिए मैं कुछ दिन बाद ही घर चली जाऊंगी। प्रणीता। मैं तुम लोगों के गांव की समस्या समझ सकता हूँ। हमारे स्टेट में बहुत सारे गांव में ऐसी समस्या है। बरसात के दिनों में सभी जगह भारी बारिश आती है और बाढ़ आ जाती है, और गर्मी के मौसम में वही जगह सूखी पड़ जाती है। एक बूंद पानी के लिए आदमी तरस जाते हैं। एक प्रॉब्लम और है, बाढ़ की वजह से सरकार ऐसी जगहों पर बारिश के दिनों में पुल, तालाब, पानी का ट्यूबवेल भी नहीं बना सकते, और ठंडे के दिनों में पानी का स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि कुछ करके भी फायदा नहीं होता। हाँ तो सर, ये प्रॉब्लम हमेशा प्रॉब्लम ही रहेगी क्या? नहीं, कभी नहीं।
ऐसी जगहों के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं। केवल इन योजनाओं को सफल करने के लिए हमें मजबूत इरादे और हौसला चाहिए। सर, ये योजना कौन सी है? ये योजना वाटर कंजर्वेशन के अंदर आती है। इनमें से तुम लोगों के गांव के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बरसात के पानी के संरक्षण की प्रक्रिया ठीक रहेगी। इस योजना के बारे में हमें थोड़ा खुलकर बताइए सर। तो सुनो, महात्मा गांधी जी ने एक बात कही है कि धरती माँ हम इंसानों को सब जरूरत की चीजें देती है, लेकिन किसी को लाभ उठाने के लिए कुछ नहीं देती। ऐसे ही पानी हम इंसानों के लिए सबसे जरूरत चीजों में से एक है, और ये धरती माँ हमें बहुत से माध्यम से पानी देती है। उसमें से एक है बरसात का पानी। वो कैसे सर? बरसात के दिनों में बरसात के पानी को कहीं भी संरक्षण करके रखो, और सूखे दिनों में इसे अपने काम में लगाओ। बरसात के पानी को पहले कलेक्ट करके कहीं भी स्टोर करके बाद में यूटिलाइज करने की जो प्रक्रिया है, इसे ही बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब समझ में आया? हाँ सर, समझ गई। और इसके लिए सरकार गांव वालों की मदद भी करेगी और साथ में फ्री ट्रेनिंग भी देगी। इस प्रक्रिया से दूसरे गांव की तरह तुम लोगों के गांव में जो पानी की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब समझ में आया? हाँ सर। अब तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को पूरा सिस्टम बताता हूँ। ठीक है सर, चलिए सर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये देखो, ये है फिल्टरेशन यूनिट। बारिश के दिनों में यहाँ पानी जमा होता है और पंप के जरिए पानी बाहर आता है और फिर पानी यहाँ चला जाता है, और फिर मॉड्यूलर टैंक्स के जरिए हम और पानी जमा कर सकते हैं, और वॉश रिवर सैंड के माध्यम से भी बहुत पानी जमीन के नीचे चला जाता है और ये पूरा पानी यहाँ आके जमा होता है। ये सब पानी प्लास्टिक के एक लेयर के अंदर रहता है, जिससे हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए ना? आप लोगों को और कुछ समझाता हूँ। देखिए, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन सिस्टम। पहले हमें अंदर के गड्ढों में किसी भी तरीके से बारिश के पानी को संरक्षण करना है, और हमें ओपेक प्लास्टिक इस्तेमाल करना होगा। जहाँ हम पानी को जमा करेंगे उस जगह के फ्लोर को हमें साफ रखना है। वो टैंक हम बैम्बू से भी कवर कर सकते हैं, ये बहुत ही कम खर्च में हो जाता है। फिर ज़रूरत के दिनों में हम ये पानी हमारे खेत के लिए, पीने के लिए और रोज़मर्रा की हर एक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को बाकी बातें प्रोजेक्ट शुरू करने के टाइम हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर समझा देंगे। तो ये बात है। हाँ रक्तिम भैया। रीता, तुम चिंता मत करो, हमारा एनजीओ इस तरह के मुद्दे के ऊपर ही काम करता है। और प्रणीता, तुमने रीता को यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया। मैं रीता और उसके गांव वालों की पूरी तरह से मदद करूँगा। मैं भी यही आशा लेकर रीता को आपके पास लाई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रक्तिम भैया। अरे देखो, इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। तो रक्तिम भैया, मैं आज से रीता और उसके गांव वालों की जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपती हूँ, क्योंकि मैं कल से रीता के साथ नहीं रह पाऊंगी, मुझे कहीं पे जाना है। तुम बेफिक्र होके जाओ प्रणीता, मैं कल से ही इस काम में लग जाऊंगा। और एक बात है रक्तिम भैया, रीता से मुझे पता चला है कि उसके गांव में प्रताप बरुआ नाम का एक रईस आदमी रहता है, और इन दिनों में वो गाँव वालों को पानी बेचता है।
मेरे ख्याल से गांव में ये सब योजना लागू ना होने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि इससे उनको आर्थिक लाभ होता है। जी हाँ, प्रताप बरुआ हमारे गांव के बहुत ही पहुँचे हुए आदमी हैं। पुलिस, एमएलए, मिनिस्टर, इन सब लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, इसीलिए शायद हमारे गांव के लोग उनसे डरते हैं। रीता ठीक कह रही है, इसलिए उनके खिलाफ गांव के लोग कुछ नहीं कर रहे। तो रक्तिम भैया, आप उन लोगों से थोड़ा सावधान रहना, ये लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तुम खामोखा परेशान हो रही हो प्रणीता, वो लोग रीता या मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हम लोग जो काम करेंगे कानून को साथ में लेकर, कानून के दायरे में रहकर करेंगे। मुझे आप पर विश्वास है रक्तिम भैया, आप जरूर कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रणीता। हाँ रीता, तुम एक काम करो, कल गांव में जाकर जितना हो सके लड़के लड़कियों को एकजुट करना। जी। कोई किसान भाई अगर आना चाहते हैं तो उनको भी बुलाना, मतलब गांव में जितने लोग आना चाहते हैं उन सभी लोगों को बुलाना। जी। और एक काम करता हूँ मैं, कल तुम लोगों के गांव जाकर कल से ही पानी संरक्षण के बारे में गांव वालों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? ठीक है रक्तिम भैया, ये तो बहुत बढ़िया होगा। तो रक्तिम भैया, हम लोग अब चलते हैं, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। ठीक है, तुम लोग अब जाओ, मुझे कल के लिए प्रिपरेशन भी करना है। ठीक है, नमस्ते। अच्छा, अच्छा ठीक है, चलती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं सरकार अब सभी लोगों के लिए लेकर आई है, और हम सभी देशवासियों को सरकार द्वारा दी गई इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इस समय इस गांव में पानी को लेकर बहुत समस्याएं हैं। खेती के लिए किसानों को जरूरत का पानी नहीं मिल रहा है, पीने के पानी को लेकर प्रॉब्लम है, रोजमर्रा के हर एक काम के लिए पानी को लेकर असुविधाएं है या नहीं? लेकिन आप लोग चाहे तो ये सारी परेशानियां आप लोग कम समय में ही खत्म कर सकते हैं, बारिश के पानी को संरक्षण करके, जिसे अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और ये काम आप लोगों को कैसे करना है वो समझाने के लिए ही मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। पहले आप लोगों में से ही दो एक जन को चुनकर सरकार द्वारा दी जाने वाली फ्री ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, फिर वो काम आप लोग आसानी से अपने गांव में कर सकेंगे। तो अगर आप लोग पानी का संरक्षण करके सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के गांव में कभी भी पानी को लेकर कोई समस्याएं नहीं रहेगी, तभी आप लोगों का ये गांव तरक्की करेगा। पिताजी, हमारे गांव में क्या चल रहा है आपको मालूम है भी या नहीं? क्या चल रहा है? हमारे गांव में कोई एनजीओ वाले आए हैं, वो हमारे गांव से पानी की समस्या को दूर करने के लिए बोल रहे हैं, और तो और सारे गांव वालों को एकजुट भी कर लिया है उन लोगों ने। अच्छा? हाँ पिताजी, वो लोग बारिश के मौसम में आने वाले पानी को ही संरक्षण करेंगे, मैंने सुना है, और फिर बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे, और इसके ऊपर सारे गाँव वालों को एकजुट करके ट्रेनिंग भी दे रहा है, वो भी मुफ्त में। अरे, ये लोग तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। हाँ पिताजी, अगर ये सच में हो गया ना, तब हमें तो बहुत दिक्कत होने वाली है। हम पानी कैसे बेचेंगे? हमसे उधार कौन लेगा? अगर उधार का बिजनेस ही नहीं रहा तो हम किसान का जमीन हड़प कैसे करेंगे? हाँ, तुमने एकदम सही कहा। गांव में अगर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी तो हमारे बहुत से धंधे बंद हो जाएंगे। जो भी हो, पानी की समस्या को चालू रखनी पड़ेगी। हाँ पिताजी, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा हमें, वरना मुट्ठी से रेत निकलने में टाइम नहीं लगता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इधर सुन,
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आप लोग इस नजेस को लोग रूपम बरुआ कहते हैं। मैं प्रताप बरुआ का बेटा, जानते ही होंगे आप। हाँ, आपके पिताजी के बारे में सुना है। अगर जाना नहीं अभी तक। मतलब? मतलब एकदम साफ है रक्तिम बाबू, अपने हमारे गांव में जो कुछ कर रहे हो ना, ये सब जल्द से जल्द बंद कीजिए और अपने सम्मान समझ कर इस गाँव से दफा हो जाइए। इसी में आपका भलाई है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ रक्तिम बाबू। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो गाँव वालों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस योजना से गाँव वालों की बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा, सबके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। अरे वही तो नहीं चाहते हैं हम। मतलब अब कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए रक्तिम बाबू, ये हमारा गाँव है। इस गाँव में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सिर्फ हम करेंगे, हम। और आप इस गांव में रह के इस गांव का क्या भलाई करेंगे वो हम नहीं जानते। और एक बात जरूर याद रखना, आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, तो समय रहते ही आप इस गांव से चला जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, और मैं आप लोगों की धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम करके ही इस गांव से जाऊंगा। तो हमारा काम तुमको अच्छी तरफ से एक बार समझा दिया, बाकी हम कर लेंगे, उसके बाद तुम ही जानोगी। तुम जाने दो, रास्ता सोलो। नहीं छोड़ूंगा, क्या करोगे? जाने दो मुझे। इसलिए प्रतापपुरा और उनके लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम लोग रॉक टीम के साथ मिलके प्रोजेक्ट का काम शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Yeah.
साथ मिल जुल आओ, एक बूंद पानी की कीमत